नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाउची में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एलसीएम निकालना सिखाने वाला हूं, जिसको कि हम लोग हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट तक देखते रहें, मैं आप लोग को दो एग्जांपल के साथ एलसीएम निकालना बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बन रहे, आप लोग एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, 24 और 28 है। तो इसको हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम दोस्तों कैसे निकालता है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना है, ठीक है। जैसे दो, दो से सबसे पहले आपको ट्राई करना है, फिर तीन से ट्राई करना, फिर चार से ट्राई करना है, फिर पाँच से, इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसे दो से लगाते हैं। देखिए, दो से हमारा 12 बार में कट जाएगा और ये हमारा दो से 14 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फिर से अगर इसे हम लोग दो से लगाएं तो ये हमारा 6 बार में चला जाएगा और ये हमारा 7 बार में चला जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्या दो से हमारे कटेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ ये दो से कटेगी और ये नहीं कटेगी। और तीन से भी लगाएंगे तो दोस्तों दोनों संख्या में से कटेगी, सिर्फ एक ही हो। तो हमें उस संख्या को खोजना है जिससे कि दोनों कट जाए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि दोनों कट जाए। तो दोस्तों, वैसे संख्या तो अब कोई बची ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से जो भी संख्या यहाँ पे हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बचा हुआ है, 2 × 2 × 6 × 7, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका बचेगा उसको आपको सिंपल तरीके से गुणा कर देना है। तो देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, 24 × 7 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 168। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए, 168 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी। तो हम लोग चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, जिसमें कि हम लोग तीन संख्याओं का एलसीएम लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उस संख्या को ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया है, 12, 8 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे तीन संख्या है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो इसे भी हम लोग दो से लगाएंगे, क्योंकि ये दो से लग जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 12 = 12। दोस्तों इसको आपको पता है, जब तक आपका दो संख्या, कम से कम दो संख्या किसी संख्या से लगना चाहिए, तभी आप उस संख्या से इसको लगाइएगा। जैसे दो से देखिए तीनों लग रहा था, तो इसीलिए मैंने दो से लगाया यहाँ पर। अब देखिए, फिर से यहाँ पे दो से कटेगा, तो दो से 6 3 बार में कटेगा और 4 2 बार में, और 12 हमारा दोस्तों 2 × 6 = 12, 2 × 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो से लगेगा या नहीं, लगेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो संख्या है ये भी दो से लग रहा है, ये भी दो से लग रहा है। तो जब तक आपका दो संख्या लग सकता है, तब तक आप लगा सकते हैं उस संख्या से। देखिए, दो से हमारा ये 3 नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा और ये 6 कटेगा, ठीक है, 2 × 6। अब देखिए यहाँ पे, अब तो ये 3 दो से कटेगा ही नहीं दोस्तों, अब तो ये हमारा 2 से कटेगा ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसे कितने से लगाएंगे, अब इसे हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 से देखिए लगाएंगे तो 3 × 3 हो जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा, तो ये भी 3 × 3 हो जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पे जो भी आपका बचा हुआ है उन सभी को आपको गुना कर देना है, ठीक है। 1 को आप नहीं भी लीजिएगा तो आपका चलेगा। तो देखिए क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है दोस्तों, इतना ही है। आप 1 को ले या ना ले, बात वही है। तो चलिए देखिए, हम लोग इसको गुना करते हैं, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 24। तो दोस्तों ये हमारा इसका एलसीएम हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचेंगे और आप उसका लाभ सबसे पहले उठा पाएगा। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे कैसे नए वीडियोज को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग एक जरूरी बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे चैनल पर जो 97% व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सिर्फ 2% व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और 97% ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो कृपया मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके सोल्यूशन आप लोग को जरूर दूंगा वीडियो के फॉर्म में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना है, हम लोग फिर मिलेंगे कैसे नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।